राष्ट्रीय प्रेस दिवस का अपने आप में ही एक विशेष महत्व है। हर वर्ष के 16 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के साथ एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र में प्रेस की बहुत ताकत और जिम्मेदारियां हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में एक बार कहा था कि प्रेस आधुनिक जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों में एक है, खासकर लोकतंत्र में। प्रेस में बहुत ताकत है और इसकी जिम्मेदारियां भी बहुत है। इन्हीं जिम्मेदारियों को निभाते हुए तमाम महत्वपूर्ण खबरों और जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने वाले पत्रकारों के लिए खास दिन है आज का दिन। दरअसल भारत में प्रेस परिषद की स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुई थी, लेकिन 16 नवंबर 1966 से इसने काम करना शुरू किया। इसलिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रेस को ताकतवर बनाना है, जिससे पत्रकार सच्ची खबरों को लोगों के सामने लाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पूरी कर सके। निष्पक्ष भाव, किसी तथ्य को बिना तोड़े मरोड़े पेश करना और व्यवसायिक गोपनीयता का ख्याल रखना आदि पत्रकारों की जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें वे बखूबी निभाते रहे हैं। पत्रकार अपना काम पूरी लगन से तभी कर सकते हैं जब उन पर किसी भी तरह का गैर जरूरी दबाव ना हो और उन्हें सच बाहर लाने की आजादी हो। जैसा कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पत्रकारिता के बारे में लिखा है, कलम की निरंकुशता खतरनाक हो सकती है, लेकिन उस पर व्यवस्था का अंकुश ज्यादा खतरनाक है। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रेस की आजादी से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। इसलिए किसी मजबूत राष्ट्र के लिए प्रेस की आजादी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि प्रेस समाज का दर्पण है और सच और झूठ को हमारे सामने लाता है। मीडिया लोगों और खबरों के बीच एक सेतु है। यह लोगों तक सच्ची खबरों और सही जानकारियों को पहुंचाने का माध्यम होता है। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर यह संकल्प जरूरी है। आपको यहां बताते चले कि प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है। यह दिवस एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। 1920 के दशक के दौरान लेखक वॉल्टर लिपमैन और एक अमेरिकी दार्शनिक जॉन डेवी ने एक लोकतांत्रिक समाज में पत्रकारिता की भूमिका पर अपने विचार विमर्श को प्रकाशित किया था। यह वह समय था जब आधुनिक पत्रकारिता अपने वास्तविक रूप में आ रहा था। अब यह भली भांति ज्ञात हो चुका है कि पत्रकारिता जनता और नीति निर्माताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका एक पत्रकार निभाता है। वही भारत सरकार ने प्रेस संगठनों और पत्रकारों के लिए अनेक नीतियों को निर्धारित किया है, जिसके संदर्भ में वे अपने कार्यों के एक तरफ जारी रखते हैं और उन पर अनुसंधान भी करते हैं। साथ ही संस्थाओं के द्वारा क्या प्रकाशित किया जाता है, इसका परीक्षण भी करते हैं। पत्रकारों को कुछ विशेषाधिकार हैं जो कि आम जनता को नहीं प्राप्त हैं। वे वरिष्ठ अधिकारियों, नेताओं, मशहूर हस्तियों और अन्य व्यक्तियों के साक्षात्कार कर सकते हैं। समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.